मैं अटल हूँ फिल्म की कहानी हमें 1930 के दशक के अंत में आजादी से पहले और ब्रिटिश शासन के दौरान अटल जी यानी पंकज त्रिपाठी के स्कूल के दिनों में ले जाती है। अटल जी को एक शर्मीले और झिझकने वाले स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। वह छोटा बच्चा अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी यानी पीयूष शर्मा को बताता है कि कैसे वह पूरी कक्षा के सामने बात करने से डरता है। समाधान के रूप में अटल जी के पिता ने उन्हें वक्तृत्व का मंत्र दिया, जिसके तहत विश्वास कायम करने के लिए आंखों से संपर्क करने के महत्व पर जोर दिया गया। उसके बाद अटल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ साथ लेखन और कविता के प्रति अपने प्रेम को जारी रखते हुए अटल जी ने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना। कॉलेज के दिनों में प्यार में पढ़ने के बावजूद अपने देश के प्रति उनका समर्पण और भी मजबूत साबित हुआ। अंततः अटल जी के पिता अपने पुत्र के आरएसएस संघ के सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के दृढ़ संकल्प के सामने झुक गए, जिससे उन्हें अविवाहित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। अटल जी की प्रभाव कला और नेतृत्व कौशल से प्रभावित होकर संघ ने उन्हें भारतीय जनसंघ राजनीतिक दल में भेज दिया, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जिन्हें आज की भाजपा का गॉडफादर भी माना जाता है। फिल्म में अटल जी के हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में उदय को दर्शाया गया है, जो देश को मजबूत करने और एकजुट करने की आकांक्षा रखते हैं। जाति और धार्मिक पूर्वाग्रहों के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों और विकास की वकालत करते हैं। वह राष्ट्र को एक साथ लाने के लिए अपनी शब्दों की शक्ति और लिखने की कला का उपयोग करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरते हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अटल जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बीपी सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों की तीखी आलोचना की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई अप्रत्याशित मृत्यु के बावजूद अटल जी अविचलित रहे। उन्होंने पुलिस की यातना व उत्पीड़न और कारावास भी सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके लचीलेपन और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। फिल्म उनके राजनीतिक करियर की प्रमुख घटनाओं को छूती है, जैसे गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या, भारत चीन युद्ध, जेपी विरोध, आपातकाल, ब्लू स्टार ऑपरेशन, इंदिरा गांधी की हत्या, राम मंदिर आंदोलन, परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और 1999 तक बीजेपी सरकार का उत्थान और पतन।